हेलो फ्रेंड्स, अपने लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा कि किस तरह से हम नेमस्पेस क्रिएट कर सकते हैं और उस नेमस्पेस में हम खुद के अपने फंक्शंस यानी कि मेंबर्स ऐड कर सकते हैं और उन मेंबर्स को हम नेमस्पेस की हेल्प से किस तरह से कॉल कर सकते हैं। हमने देखा यहाँ पे हमने नेमस्पेस क्रिएट करने के लिए नेमस्पेस कीवर्ड का यूज किया, उसके बाद हम स्पेस देंगे, नेमस्पेस का नाम लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट्स में हम नेमस्पेस के अंदर जो भी मेंबर्स डिक्लेयर करना चाहते हैं वो मेंबर्स डिक्लेयर कर देंगे। और मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हमें सबसे पहले नेमस्पेस का नाम देना होगा, देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना होगा और फिर उस मेंबर का नाम देना होगा जिसे हम एक्सेस करना चाहते हैं। अब अगर हम यहाँ पर आप देख रहे थे, हमने दो नेमस्पेस बनाए थे और दोनों नेमस्पेस का ही हम मेन में यूज कर रहे थे। अब अगर हम यहाँ पर दोनों नेमस्पेस की बजाय एक नेमस्पेस यूज करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में तो हम क्या करेंगे, हम अब सीखेंगे यूजिंग कीवर्ड का यूज करना। उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक नेमस्पेस क्रिएट कर दिया है यूजिंग नेमस्पेस अंडरस्कोर स्पेस फर्स्ट स्पेस और दूसरा नेमस्पेस स्पेस सेकंड अंडरस्कोर स्पेस और दोनों में फंक्शंस को डिक्लेयर कर दिया है, दोनों की बॉडी क्लोज की है। अब मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम में सिर्फ फर्स्ट स्पेस जो मेरा नेमस्पेस है इसे ही यूज करना चाहती हूँ, यानी कि मैं इस नेमस्पेस को यूज नहीं करना चाहती सेकंड स्पेस को। तो मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैं अब यूजिंग कीवर्ड का यूज करूंगी, तो मैं लिखूंगी यूजिंग स्पेस नेमस्पेस कीवर्ड स्पेस और जिस नेमस्पेस को मैं यूज करना चाहती हूँ उस नेमस्पेस का नाम। यानी कि मैंने आपको कहा इस प्रोग्राम में अगर मैं सिर्फ फर्स्ट स्पेस फर्स्ट अंडरस्कोर स्पेस इसी नेमस्पेस को यूज करना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट अंडरस्कोर स्पेस देन सेमीकॉलन, मेन की स्टार्टिंग की है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे यूजिंग नेमस्पेस फर्स्ट स्पेस लिखती हूँ तो फर्स्ट स्पेस के जो भी मेंबर्स होंगे वो हमारे प्रोग्राम में हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, यानी कि एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर func सेमीकॉलन, तो ये func फंक्शन जो है वो इस फर्स्ट स्पेस में जहां पे भी होगा ये कॉल हो जाएगा, यानी कि अब इस स्पेस का यूज हम इस नेमस्पेस का यूज सेकंड वाले का अपने प्रोग्राम में नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये फंक्शन जो है वो फर्स्ट स्पेस का ही कॉल होगा, देन गेट सी एच रिटर्न जीरो। अब इस प्रोग्राम को हम एक बार सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस से और इसे कंपाइल कर देते हैं F9 से, F10 से इसे रन करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। आंसर आ रहा है इनसाइड फर्स्ट स्पेस, आप देख रहे हैं आंसर फर्स्ट स्पेस। तो यहाँ पर जब फंक्शन कॉल हो रहा है तो ये फर्स्ट फंक्शन यानी कि जो हमारा फर्स्ट नेमस्पेस है उसके सभी मेंबर्स को ये एक्सेस कर सकता है। तो हम अगर एक पर्टिकुलर नेमस्पेस को अपने प्रोग्राम में ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर यूजिंग कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि जब से हमने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की है हम अपने प्रोग्रामिंग के लिए देव कंपाइलर का यूज कर रहे हैं, देव C++ का। तो हमने यहाँ पर हमेशा जब हम से थर्ड लाइन लिखते हैं तो लिखते हैं यूजिंग स्पेस नेम स्पेस स्पेस STD। आप जानते हैं ये STD एक स्टैंडर्ड नेम स्पेस है जिसके अंदर हमारे IOStream के सीन सी आउट सभी फंक्शन इंक्लूड है। अगर आप यहाँ पर इस नेम स्पेस को यूज नहीं करते तो आप सी इन सी आउट फंक्शन का यूज नहीं कर सकते। कैसे, अगर हम इसे एक बार कमेंट में चेंज कर देते हैं और इस फंक्शन को सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस से, अब हम इसे कंपाइल करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एरर आ रहा है सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। इट मीन्स कि आप सी आउट फंक्शन का यूज यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि सी आउट फंक्शन जो है वो STD नेमस्पेस में इंक्लूड है उसकी डेफिनेशन, तो आपको इसकी डेफिनेशन को अपने प्रोग्राम में ऐड करने के लिए नेमस्पेस STD को अपने प्रोग्राम में यूज करना होगा। तो इसे अब हम एक बार यहां से कमेंट हटा देते हैं, अनकमेंटेड कर देते हैं इसे। अब आप इसे फिर से कंपाइल करते हैं अगर सेव करने के बाद तो आप देखेंगे अब कोई एरर नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि C++ में यानी कि देव C++ में हमारे पास कुछ ऐसे नेमस्पेसेस हैं जो पहले से ही प्रीडिफाइंड हैं। आप उनको यूज करने के लिए सिंपली उसका नाम लिखेंगे यूजिंग स्पेस नेमस्पेस कीवर्ड लिखेंगे स्पेस और उस नेमस्पेस का नाम दे देंगे। लाइक हमने यहाँ पे दिया STD। STD नेमस्पेस में हमारे IOStream के लाइक सीन सी आउट सभी स्टैंडर्ड फंक्शंस की डेफिनेशन है, तो इन स्टैंडर्ड फंक्शंस को यूज करने के लिए आप यहाँ पर STD नेमस्पेस को इंक्लूड करेंगे।
अब हम यहां पर देखेंगे कि जैसे हम किसी पर्टिकुलर फंक्शन को यूज करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप किसी पर्टिकुलर फंक्शन को यूज करना चाहते हैं किसी भी नेमस्पेस के, अब हम यहाँ पर func फंक्शन को इंक्लूड करना चाहते थे, तो आपने देखा कि जब हमने फर्स्ट नेमस्पेस का प्रोग्राम बनाया तो अगर हम इस नेमस्पेस के func फंक्शन को इंक्लूड करना चाहते तो हमने लिखा था नेमस्पेस का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फिर फंक्शन का नाम। तो इसी तरह से अगर हम किसी पर्टिकुलर फंक्शन को एसटीडी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के कुछ पर्टिकुलर फंक्शन को यूज करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, हमने यहाँ पर लिखा है यूजिंग स्पेस नेमस्पेस का नाम एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और यहाँ पे फंक्शन लिख दिया है सीआउट, यानी कि हम अपने प्रोग्राम में इस सीआउट फंक्शन को यूज करना चाहते हैं। तो मेन में मैंने एक इंट ए लिखा सीआउट, ये मैसेज प्रिंट करवा दिया एसटीडी एंडल इज यूज विद एसटीडी, मैसेज प्रिंट हुआ गेट सी एच एंड रिटर्न। अब हम इसे कंट्रोल से सेव कर लेते हैं और कंपाइल करते हैं अपने इसे, तो आप देखेंगे उसके बाद F10 से रन करते हैं तो एसटीडी एंडल इज यूज विद एसटीडी, ये मैसेज प्रिंट होके आ गया। अब अगर हम यहां पर सीन फंक्शन को भी यूज कर लेते हैं, यानी कि हम यहां से कमेंट इसे हटा देते हैं, अब हम यहां पर सीन फंक्शन को यूज करना चाहते हैं, मैंने लिखा कंट्रोल से सेव किया कंपाइल किया, तो आप देखेंगे कि यहां पर हमारे पास एक एरर मैसेज आ रहा है सीन वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, क्योंकि आपने यहां पर सिर्फ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का सीआउट फंक्शन ही ऐड किया है यूज किया है। अगर आप सीन को भी यहां पर यूज करना चाहते हैं तो आप यहां पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे यूजिंग एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाएंगे और यहां पर लिख देंगे सी इन देन सेमीकॉलन। अब इसे फिर से सेव करेंगे, सेव करने के बाद आप कंपाइल करेंगे, अब आपके पास देख रहे हैं यहाँ पे कोई एरर नहीं है, उसके बाद आप इसे F10 से रन कर देंगे। तो हमने देखा कि अगर हम किसी पर्टिकुलर फंक्शन को यूज करना चाहते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के, तो आप यहां पर यूजिंग स्टेटमेंट की हेल्प से नेमस्पेस का नाम लिखेंगे, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाएंगे और फंक्शन का नाम लिख देंगे, जैसे कि हमने आपको यहाँ पर नेमस्पेस में करके दिखाया था कि यूजर जो है जब अपना नेमस्पेस क्रिएट करता है यूजर डिफाइन, तो वो किस तरह से फंक्शंस को यानी कि नेमस्पेस के मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है, नेमस्पेस का नाम लिखता है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाता है और फिर फंक्शन का नाम लिख देता है यानी कि मेंबर का नाम लिख देता है। सेम इसी तरह से जो प्री डिफाइंड है हमारे पास नेमस्पेसेस, उनके भी अगर आप पर्टिकुलर फंक्शंस को यूज करना चाहते हैं तो आप यूजिंग यहाँ पर नेमस्पेस का नाम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर फिर मेंबर का नाम लिखेंगे सेमीकॉलन लगाएंगे, तो आप उन पर्टिकुलर मेंबर्स को अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर भी सिंपली ऐसे लिखकर एसटीडी और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाकर भी इस मेंबर को यूज कर सकते हैं। इसे हम सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस से, कंपाइल करते हैं, तो आप देखें यहाँ पर भी हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा, आप सिंपली इसे कंपाइल करेंगे F10 से। तो इस तरह से भी आप जो है नेमस्पेस का नाम लगाकर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाएंगे, फंक्शन यूज कर लेंगे देन सेमीकॉलन, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं और ऊपर यूजिंग कीवर्ड की हेल्प से भी आप फंक्शंस को ऐड कर सकते हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास दो तरह के नेमस्पेस होते हैं, एक यूजर डिफाइंड और प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड हमारे पास स्टैंडर्ड है जिसमें हमारे पास सी इन सी आउट मेन फंक्शंस हैं। अगर आप टर्बो C++ कंपाइलर का यूज कर रहे हैं तो आपको यूजिंग यानी कि नेमस्पेस को ऐड करने की जरूरत नहीं होती, आप सिंपली iostream.h का यूज करके सी इन सी आउट फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं। बट अगर आप देव कंपाइलर के साथ काम कर रहे हैं, देव C++ कंपाइलर के साथ, तो आपको ये स्टेटमेंट यहाँ पर हैश इंक्लूड iostream और यहाँ पर नेमस्पेस एसटीडी को ऐड करना जरूरी होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एसटीडी के अंदर ही हमारे सी इन और सी आउट की डेफिनेशन है। तो इन फंक्शंस को यूज करने से पहले आपको नेमस्पेस को अपने प्रोग्राम में ऐड करना होगा अगर आप देव C++ कंपाइलर के साथ काम कर रहे हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास दो तरह के नेमस्पेसेस हैं, स्टैंडर्ड नेमस्पेसेस यानी कि प्री डिफाइंड, और यूजर जो है अपने भी नेमस्पेस क्रिएट कर सकता है इस तरह से नेमस्पेस कीवर्ड स्पेस नेमस्पेस का नाम और कर्ली ब्रेसेस के अंदर उनके मेंबर्स को डिक्लेयर करके वो आपने भी अपने आप यूजर डिफाइंड नेमस्पेस भी क्रिएट कर सकता है और उन्हें इस तरह से मेन के अंदर कॉल कर लेगा। नेमस्पेस का नाम
स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और मेंबर्स का नाम, देन सेमीकॉलन। ये ट्यूटोरियल था हमारा निम्न स्पीसीज के बारे में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन बाय, थैंक यू।